हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ राधिका, देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव डांगी गांव से। स्वागत है आपका राधिका केदारघाटी ब्लॉग में और केदारघाटी की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो अब बहुत ही कम मिलती है पहाड़ों में। वैसे मिलती तो है पर हमारी तरफ बहुत कम हो गई है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौणी कौणी कौणी। तो आज हम बना रहे हैं कौणी के बुखड़े। तो खेत से तो दादी परसों ले आई थी और दादी ने उसको साफ भी कर दिया था और अब हम उसके बुखड़े बनाने वाले हैं। बुखड़े मतलब बुखड़े, आपको नहीं पता होगा बुखड़े किसको बोलते हैं और मुझे भी नहीं पता कि बुखड़े को क्या बोलते हैं। हमारे इधर बुखड़े बोलते हैं तो मैं बुखड़े ही बोलूँगी। तो आज मैं बताऊँगी कि कौणी के बुखड़े कैसे बनते हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये है कौणी और ये मेरी दादी ने छान छून के चूल्हे में भून के तैयार कर रखे हैं एकदम। अब मैं इन गाइस, ये हमारे बुखड़े तैयार हो गए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी इनका जो ये ज़्यादा साफ नहीं हुए हैं, पर बहुत टेस्टी हो रहे हैं। Yeah.
गाइस, हमने खाए आज कौड़े के बुखड़े जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। तो आपको पता होगा पहाड़ों में अब तो एक से बढ़कर एक चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो मैं जैसे मैं खाऊंगी वैसे मैं आपको भी मिलवाती रहूंगी और बताती रहूंगी कि किसका टेस्ट कैसा है। और आपको टाइम मिले तो ज़रूर आना हमारे गांव में। तो आज हमने खाए कौड़े के बुखड़े जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही खाए हैं 20 साल में, तो बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं राधिका मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।